अस्सलामुअलैकुम, आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। एंड आज मैं अपनी वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह आप ऑयल बॉटल या कोई भी शैम्पू की बॉटल को यूज़ करते हुए इंडोर प्लांट्स के लिए पॉट्स कैसे बना सकते हैं। सो जो चीज़ें आपको चाहिए होंगी उसके लिए है ऑयल बॉटल, एल्युमिनियम फॉइल और पेबल्स। आप पे डिपेंड करता है आप किस तरह के पेबल्स यूज़ करना चाहते हैं। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये ऑयल बॉटल को हम कट करेंगे। अगर आपके पास कटर है आप उससे कट कर सकते हैं, अगर कटर नहीं है तो आप सिंपली नाइफ को गर्म करके उससे आप इसको कट कर सकते हैं। ये हमने अपनी बॉटल कट कर ली है, अब इसको हम रैप करेंगे एल्युमिनियम फॉइल से हम इसको रैप करेंगे। ये इस तरह आप एल्युमिनियम फॉइल से इसका साइज ले लें, इतना इसको कट करना है कि जितना ये बॉटल कवर हो जाए। इस तरह हम इसे कवर करेंगे। मैंने इसके साइज़ के लिहाज से इसे कट कर लिया। नीचे से इस तरह फोल्ड करेंगे जैसे हम गिफ्ट पेपर को फोल्ड करते हैं नीचे से, तो जो बाकी एक्स्ट्रा बच जाएगा हम उसे इन कर देंगे बॉटल के अंदर इस तरह। ये हमारा पॉट रेडी हो गया। ये आराम से 6-7 मंथ इजली ये वाला जो एल्युमिनियम फॉइल है एल्युमिनियम फॉइल की जो शीट है वो चल जाएगी 6-7 मंथ तक। फिर उसके बाद आप चेंज कर सकते हैं, जब ये ख़राब हो जाए 6-7 मंथ के बाद आप जस्ट शीट चेंज कर सकते हैं, पॉट तो ठीक रहता है। बट आपको पता है कि बॉटल के नीचे जो प्लांट्स की जो पॉट्स होते हैं उसके नीचे होल ज़रूरी होता है, अगर ड्रेनेज का सिस्टम नहीं होगा ड्रेनेज तो फिर क्या होगा कि रूट्स जो है वो डैमेज हो जाएंगी। तो हम यहाँ पर अब इसे यहाँ होल्ड करेंगे नीचे, फिर हम इसमें सॉइल डालेंगे और प्लांट लगा देंगे। कोई भी इंडोर प्लांट लगा सकते हैं, सबसे बेस्ट इंडोर प्लांट तो वैसे जो है ना स्नेक प्लांट है, मनी प्लांट है, मदर ऑफ थाउजेंड है और गुल्ले दुपहरी है, तो मैं इसमें गुल्ले दुपहरी लगाऊंगी। बट होल्ड करने के बाद होल्ड नेसेसरी है। ये देखिए मैंने इसमें होल्ड कर दिया, आई होप आप लोग को नज़र आ रहा होगा ये रहा होल्ड ड्रेनेज के लिए। अब हम इसमें सॉइल डालते हैं और अपना प्लांट लगाते हैं। ये देखिए मैंने इसमें गुल्ले दोपहरी लगा दी है और ये देखिए जब गुल्ले दोपहरी में दोपहर को फ्लावर्स आएंगे तो ये और भी प्यारा लगेगा इस शाइनी से एल्युमिनियम फॉइल के कवर के साथ, और भी खूबसूरत लगता है। अब हम इसमें पेबल्स डाल देंगे। अगर आपके पास ये पेबल्स हैं इस तरह के, अगर आपके इस तरह के पेबल्स हैं तो आप ये डाल सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये जो पेबल्स होते हैं इस पर आप पेंट करके इसको डाल सकते हैं। ये पेबल्स तो बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं, नर्सरी से इजीली मिल जाते हैं, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। तो मैं ये पेबल्स इसमें डालूँगी, इससे प्लांट और भी प्यारा लगेगा। और ये बात याद रखें, जब भी आप ये जो मैंने गुल्ले दोपहरी निकाली है ये मैंने बड़े पॉट्स से निकाली है रूट्स के साथ। और एक बात याद रखें, जब भी आप प्लांट्स का पॉट चेंज करते हैं तो उसे एक दिन तक शेड में रखना चाहिए, क्योंकि प्लांट्स का जब पॉट चेंज होता है उसकी जगह चेंज होती है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो वो जल जाएगा। प्लांट्स भी सेम लाइक इंसानों की तरह होते हैं, जिस तरह इंसान भी जगह थोड़ी चेंज करता है तो कुछ अर्से तक डिस्टर्ब रहता है। ये देखिए मैंने इसमें पेबल्स डाल लिए, अब ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। और मैंने बहुत सारे इस तरह के जार्स बनाए हुए, मैं आपको एक दिखा भी देती हूँ। ये देखिए मैंने इसमें स्नेक प्लांट लगाया हुआ है, और भी मेरे पास हैं जो मैंने जिसमें नैंथ्रा लगाया हुआ है। तो ईज़िली ये बहुत ही चीप जार हैं जो कि ईज़िली आप घर में बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। इन फ्यूचर अगर आप मेरी इसी तरह की क्रिएटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इन फ्यूचर इसी तरह की आपके लिए क्रिएटिव
क्रिएटिव आइडियाज़ लेके आती रहूँगी जो कि बहुत ही चीप होंगे, जो कि हम घर की बॉटल जार्स को यूज़ करते हुए सिंपली बना सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।